वेलकम बैक, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के कला मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी ने पिछला वीडियो इतना प्यार और मोहब्बत दिया है उसका कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को कितना थैंक यू कहूँ। फिर भी आप लोग का बहुत सारा धन्यवाद। और उसमें जो है मैंने एक चित्र और चित्रकार से संबंधित वीडियो दिया था जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसी को देखते हुए उससे संबंधित कुछ और भी जो है वेस्टर्न और भारतीय चित्रकला से संबंधित और चित्रकार से एक और वीडियो आज मैं आपको कला मैराथन में देने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए। यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली मरतबा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कला मैराथन की आज की इस वीडियो के बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों के साथ, जिसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से केसीएस पड़ीकर का कौन सा चित्र है? काली लड़की, द वाइट ऑफ माचू पिचू, म्यूटेशन या अरेबियन नाइट। तो केसीएस पड़ीकर साहब का इन चारों में से कौन सा चित्र है? तो पहले नंबर का पित्रो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, काली लड़की। क्या होगा? काली लड़की केसीएस पड़ीकर का चित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक जंगल शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार हैं ए, रामचंद्रन, गणेश पाइन, ज्योति स्वरूप या कृष्णा खन्ना। तो इन चारों में से कौन है आंतरिक जंगल शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार? तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ज्योति स्वरूपम। कौन है? ज्योति स्वरूपम। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत वास चित्रण श्रृंखला संबंधित है किससे? अशित कुमार हल्दर से, बद्रीनाथ आर्य से, एस आर खस्तगीर से या हरिलाल मेढ़ से। हरिहर लाल मेढ़ से। तो मेघदूत वास चित्र श्रृंखला इन चारों में से किन कलाकारों से संबंधित है मित्रों? और इस क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने भी सुना है, कन्फर्म इसकी न्यूज़ मैंने नहीं देखा है लेकिन सुना है, फिर भी मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूँ कि TGT जो आपकी पेपर होने वाली है कला की, उस पेपर में जाने से पहले शायद ये नोटिफिकेशन जो है मेरे स्कूल पे भी हमारे मेंबर लोग बात कर रहे थे, तो मैंने सुना वहाँ पे कि आपको जो है कोविड का टीका लगवा के जाना पड़ेगा। कोविड का टीका जिसकी आपको एक स्लिप मिलेगी लगाने के बाद, और उस स्लिप को आपको अपने पास रखना है ताकि वहाँ पर आप दिखा सकें कि हाँ मैंने कोविड का टीका लगवाया। इस तरह का न्यूज़ है, अगर कन्फर्म हो जाता है तो वो आपको ही पता चल जाएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसकी जिक्र की गई है कि कोविड का टीका एक लगा होना चाहिए, आपके पास उसका स्लिप होना चाहिए, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको एंट्री मिलेगा कि हाँ आपने कोविड का जो है टीका लगवाया है। तो अगर नहीं भी है ये न्यूज़ तभी भी आप लगवा के जाइए, क्योंकि भाई कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है तो एग्ज़ाम देने से पहले सुरक्षा बिल्कुल बढ़ती जाएगी, तो हो सकता है भाई आपको देखा जाए या कहा जाए कि देखिए, तो देखिए कितनी सच्चाई है। वैसे तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि भाई कोविड का टीका लगा के ही जाना चाहिए, बाकी आगे जैसा भी न्यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर देखते हैं। तो तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, हरिहर लाल मेढ़। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है हरिहर लाल मेढ़ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, घनवाद पर आधारित राम किंकर बैच का इनमें से कौन सा चित्र है? कृष्ण जन्म, रागिनी, गर्ल्स चाइल्ड वीमेन या उदयपुर का किला। तो घनवाद पर आधारित राम किंकर बैच साहब का इनमें से कौन सा चित्र है, क्योंकि राम किंकर बैस साहब चित्रकार भी थे मूर्तिकार के साथ साथ। ठीक है, तो चौथे नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ए, कृष्ण जन्म जो है घनवाद पर आधारित राम किंकर बैस साहब का चित्र है, कृष्ण जन्म चौथे का राइट आंसर ए। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है पड़ीकर का कौन सा चित्र अजंता और शीतलवासन के समान विशाल संयोजन का किया गया है? यानी पड़ीकर साहब का इन चारों में से वो कौन सा चित्र है जो अजंता और शीतलवासन के समान विशाल संयोजन किया गया है? माँ और बेटा, धन्य है शांति दूर, लोक चेतना या काली लड़की। तो कौन सा किया गया है मित्रों इनमें से? तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, धन्य है शांति दूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कि मोतीलाल नेहरू का छवि चित्र किसने बनाया था? अमृतलाल नागर ने, नंदलाल बोस ने, बलबीर सिंह कट या KS कुलकर्णी। तो मोतीलाल नेहरू जी का छवि चित्र इन चारों में से कौन से चित्रकार ने बनाया था? तो छठे नंबर क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा डी, KS कुलकर्णी ने जो है मोतीलाल नेहरू का छवि चित्र बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, लक्ष्मी कागज पर वास चित्रण किसने किया है? यानी लक्ष्मी का
चित्र है और कागज पर क्या है, वास चित्रण है, उसका किसने किया है? अमृता शेरगिल ने, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, एफ एन सुजा या भूपेन खक्कर? तो लक्ष्मी कागज पर वास चित्रण किसने चित्रित किया है मित्रों? तो सातवें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने जो है लक्ष्मी के फिगर को कागज पर वास चित्रण माध्यम से बनाया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, राम का विवाह प्रसिद्ध चित्र किसका है? बी सी सान्याल का, तैयब मेहता का, के वेंकटप्पा या नंदलाल बोस का? तो इन चारों में से किस कलाकार का है राम का विवाह प्रसिद्ध चित्र? तो आठवें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा सी, के वेंकटप्पा साहब ने बनाया है राम का विवाह प्रसिद्ध नामक चित्र। अगला क्वेश्चन है आपका, शिव और सती की यात्रा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? शारदा चरण उकील ने, राजा रवि वर्मा ने, गुलाम मोहम्मद शेख ने या कृष्णा खन्ना ने? तो इन चारों में से वो कौन से कलाकार हैं जिन्होंने प्रसिद्ध चित्र शिव और सती की यात्रा को चित्रित किया? तो नौवें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, शारदा चरण उकील ने बनाया शिव और सती की यात्रा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, ये किसकी रचना है? बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, देखिएगा। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, ये रचना किसकी है? सुधीर पटवर्धन की, गुलाम मोहम्मद शेख की, कृष्ण खन्ना की या एम एफ हुसैन साहब की? तो किसकी है मित्रों? तो दसवें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, गुलाम मोहम्मद शेख साहब की है। किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख साहब की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, गोवा के मछुआरों किसका चित्र है ये? एफ एन सुजा साहब का, राम कुमार का, तैयब मेहता का या भूपेन खक्कर का? तो इन चारों में से किसका चित्र है गोवा के मछुआरों? तो 11वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों डी, भूपेन खक्कर साहब, और ये अपने समलैंगिक कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरुणोदय किसका चित्र है? के जी सुब्रमण्यम, राजा रवि वर्मा, निकोलस रोरिक या बद्रीनाथ आर्य? अरुणोदय किसका चित्र है इन चारों में से? तो 12वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, निकोलस रोरिक जो थे वो एक विदेशी थे और उन्होंने भारत की सुंदरता प्राकृतिक को देख के जो है यहाँ बस जाने का ख्याल किया, यहाँ बसे और हिमालय से संबंधित इन्होंने बहुत सारे जो है चित्र बनाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अलविदा तैल चित्र किसका प्रसिद्ध चित्र है? राम कुमार का, के जी सुब्रमण्यम का, विनोद बिहारी मुखर्जी जी का या जे राम पटेल का? तो अलविदा तैल चित्र किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो 13वें नंबर क्वेश्चन का जो मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राम कुमार का है अलविदा तैल चित्र प्रसिद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उदयपुर बोध चित्र श्रृंखला किसकी है? तैयब मेहता की, अवनिंद्रनाथ टैगोर की, नंदलाल बोस की या परमानंद चोयल साहब की? तो उदयपुर बोध चित्र श्रृंखला इन चारों में से किस कलाकार की है? तो 14वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, परमानंद चोयल साहब को। और इनको कमेंट्स में आप बताइएगा और किस नाम से पुकारा जाता है परमानंद चोयल साहब को, ठीक है, किस रूप में उनको जाना जाता है। और 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अमृतसर में 21 फीट ऊंची महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति का निर्माण किसने किया? देवी प्रसाद राय चौधरी ने, राम सुधार ने, राम किंकर बैज ने या पंकज गहलोत ने? तो अमृतसर में है जो कि 21 फुट ऊंची है और महाराजा रणजीत सिंह की वो मूर्ति है, किसने बनाया इन चारों में से? तो 15वें नंबर क्वेश्चन का मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राम सुतार, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जी ने बनाया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका चलेगा मित्रों वेस्टर्न से संबंधित क्वेश्चन, तो देखिएगा ध्यान से और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? गोया की, लियोनार्डो द विंची की,
माइकल एंजेलो की या पिशारो की? किसकी है पिचासनियों की सभा कृति इन चारों में से? तो 16वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, गोया की ये प्रसिद्ध कृति है पिचासनियों की सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? सेजा का, गोगवा का, वानगांग का या आरिमातिस का? किसका था ताहितीन द्वीप? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, गोगवा का। किसका था? गोगवा का। मित्रों पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा क्वेश्चन को देखते हुए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार कौन थे? मैसाचियो, डोनाटेलो, पाओलो उचेला या बर्निन? तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जिसका नाम है अपोलो एंड डेफिन, उसके मूर्तिकार इन चारों में से कौन रहे हैं? तो 18वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, बर्निन का। किसका है? बर्निन का। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा के कलाकार कौन है? यानी ये जो मेदुसा का बेड़ा जो बनाया गया है चित्र वो किस पे आधारित है? समुद्री जहाज की दुर्घटना पे बनी है ये पेंटिंग, किसने बनाया है? एलो ग्रोके ने, एंग्र ने, जेरिकाल्ट ने या गोया ने? तो मेदुसा का बेड़ा किस चित्रकार, किस कलाकार की मित्रों इन चारों में से पेंटिंग रही है? तो 19वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जेरिकाल्ट ने बनाया है मेदुसा का बेड़ा, समुद्री जहाज से दुर्घटना संबंधित ये पेंटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्युस्तावे कुर्बे की इनमें से कौन सी कृति है? पत्थर तोड़ने वाले, सूर्यमुखी, द स्क्रीम, मेदुसा का बेड़ा? तो ग्युस्तावे कुर्बे, पूरा नाम है इनका कुर्बे का जी का, कौन सी कृति है इन चारों में से इनकी? तो 20वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ए, पत्थर तोड़ने वाले। कौन सा? पत्थर तोड़ने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द मॉर्निंग बाथ के चित्रकार थे सुजुकी, डेगा, रेनुआ या पाल सेजा? तो द मॉर्निंग बाथ के जो चित्रकार हैं इन चारों में से कौन है मित्रों? तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डेगा। डेगा ने बनाया द मॉर्निंग बाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यंग वुमन विद ए वाटर जग को किसने चित्रित किया? रूबेंस ने, फैंस हाल्स ने, मीरो ने या जान वर्मियर ने? इन चारों में से वो कौन सा कलाकार है जिसने ये यंग वुमेन विद ए वाटर जग चित्रित किया है? तो मित्रों 22वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, जान वर्मियर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर गैटचेट का चित्र किसने चित्रित किया? वान गाग ने, माने ने, मोने ने या गोगा ने? तो डॉक्टर गैटचेट का चित्र किसने चित्रित किया है? तो 23वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वान गाग ने। किसने? वान गाग ने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, अविज्ञान सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया? लोत्रेक ने, पिकासो ने, जोआग्रिश ने या माने ने? तो अविज्ञान सुंदरियां इनमें से किस कलाकार की बेहतरीन चित्र है मित्रों कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और कल मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपना स्टेटस जो है ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि एक्सेप्टेड है कि नहीं। तो कई लोगों का एक्सेप्टेड दिखा रहा है, कई लोग अभी चेक, कई लोगों का कमेंट था सर कैसे चेक करें। तो चेक कैसे करना है, सबसे पहले तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाइए। सरकारी रिजल्ट जो आप सभी लोग जानते हैं, सरकारी रिजल्ट करके एक साइट है, उस पर हर चीज़ आती रहती है। सरकारी रिजल्ट पे जाइए, वहाँ पे जब आपका फॉर्म यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है उसमें आप जाइएगा, जहाँ की जहाँ आपको डेट दिया होगा कि डेट आ गया, उस पर लिखा होगा डेट आया है जहाँ, वहाँ पर जाइए और अप्लीकेशन स्टेटस लिखा होगा वहाँ जाके क्लिक करिए। और वहाँ आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ठीक है, और एक बार कोड मांगेगा, वो आप डाल के और अपना क्लिक कर दीजिएगा प्रोसेस में। स्टेटस आपका फ़ोटो, आईडी, नाम, पिता के नाम के साथ आएगा पूरा, कि नीचे आखिरी वाले लाइन में, दो लाइन में लिखा होगा कि वो फॉर्म इज़ एक्सेप्टेड वेरीफाई, ऐसा कुछ सिचुएशन लिखा होगा उसमें, ठीक है।
और तो अब आप समझ लीजिएगा कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। अदरवाइज अगर कोई और प्रॉब्लम आती है या फिर लिखता है अंडर प्रोसेस में, तो ये मानिए कि अंडर प्रोसेस में भी रखा गया है, अभी उसको वेरीफाई नहीं किया गया है, क्योंकि यहीं से जो है शुरू होगा फॉर्म का छांटना। अगर कोई रिजेक्टेशन होगा तो रिजेक्ट कर देगा, या हो सकता है रिजेक्ट नहीं करे, उसका ऑप्शन भी दे दे कि आपकी फ़ोटो में प्रॉब्लम है, आप इसको फिर दोबारा अपलोड कीजिए, या आपकी सिग्नेचर में प्रॉब्लम है उसको दोबारा अपलोड कीजिए। इस तरह के प्रोसेस करेगा, एक चांस आपको ज़रूर देगा, ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों बी, पिकासो। क्या होगा? पिकासो, अभिज्ञान सुंदरियों का चित्र पिकासो ने बनाया था, ठीक है। अगला है, किस चित्रकार ने अपने कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? डाली ने, गोगा ने, लोत्रेक ने या वान गाग ने? तो इनमें से वो कौन सा चित्रकार है जिसने कान काट के अपने प्रेमिका को भेंट कर दिया? काफ़ी मशहूर चित्रकार है और बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने कान काट के अपनी प्रेमिका को जो है भेंट कर दिया था। तो 25वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा डी, वान गाग जो थे उन्होंने अपना कान काट के अपने प्रेमिका को भेंट कर दिया, मशहूर चित्रकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ब्राक का घनवाद में प्रथम चित्र कौन सा है? यानी जॉर्ज ब्राक जो घनवाद से घनवाद में सबसे पहला चित्र कौन सा है? लैंडस्केप, ताश के खिलाड़ी, निर्वस्त्र स्त्री या काली घड़ी? तो जॉर्ज ब्राक का घनवाद का प्रथम चित्र इन चारों में से कौन सा है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, निर्वस्त्र स्त्री। निर्वस्त्र मतलब बिना कपड़े की, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन जॉर्ज सोरा का चित्र है? यानी इन चारों में से कौन जॉर्ज सोरा का चित्र है? जॉर्ज सोरा नाम है और उन्होंने इनमें से एक चित्र चित्रित किया है। स्नान स्थल, मेटर्निटी, सूरजमुखी के फूल या हरी पट्टी? तो इन चारों में से कौन सा चित्र बनाया है जॉर्ज सोरा ने? तो 27वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्नान स्थल। कौन सा चित्र है जॉर्ज सोरा का? स्नान स्थल। अगला है, पोटैटो ईटर नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? रेनायर का, मेडगलानी का, वान गाग का या काउरबेट का? तो किसका है पोटैटो ईटर प्रसिद्ध चित्र? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, वान गाग का। किसका? वान गाग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं रेब्रा, मुंक, टेशिया या राफेल? तो द स्कूल ऑफ एथेंस के मशहूर चित्रकार कौन है इसमें से? तो 29 नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए, रेब्रा ने बनाया है द स्कूल ऑफ एथेंस। और मित्रों, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि द बर्निंग जिराफ के चित्रकार हैं सागाल, क्ली, साल्वाडोर डाली या मंक? तो इन चारों में से कौन है द बर्निंग जिराफ के चित्रकार? तो द बर्निंग जिराफ के चित्रकार कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई लोगों का कमेंट्स था कि सर, कमेंट कर रहे थे कि सर टाइमिंग क्या है आपके क्लास की टाइम की। तो देखिए, नीचे मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि डेली क्लास जो है 10 बजे सुबह एक आपकी वीडियो मिलती है, सुबह 10 बजे मैं आपको देता हूँ, जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, और रात में 8 बजे जो पुराना हम लोग का टाइम है वो देता हूँ। यानी पूरे दिन भर में दो वीडियो आपको मिलता है, एक 10 बजे और एक 8 बजे। उसके अलावा बीच में आप देखा होगा आपको एक शॉर्ट वीडियो भी मिलता है जिसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। अब 6 क्वेश्चन अगर आप इस 30 दिन में देखते हैं तो आप देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो ये एक गागर में सागर का काम कर रहा है शॉर्ट वीडियो आपका, और ये आपको डेली मिल रहा है। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत ना करें, आप इस वीडियो को ना देखें पूरा, और आप शेयर ना करें, लाइक ना करें, कमेंट्स ना करें अच्छे, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मुझे मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं कि इसका आप लाभ ना ले सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे होंगे और पूरे इस वीडियो का अच्छे से लाभ ले रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, आइए इन्हीं बातों के साथ क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। तो द बर्निंग जिराफ के चित्रकार कौन है मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साल्वाडोर डाली। कौन है? साल्वाडोर डाली जो है वो है द बर्निंग जिराफ के चित्र। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, कला मैराथन की चित्र और चित्रकार से संबंधित दूसरा भाग? एक भाग ऑलरेडी मैंने दे रखा है और ये दूसरा भाग है 30 क्वेश्चनों का सीरीज। उसमें भी वेस्टर्न से 15 थे, इसमें भी वेस्टर्न से 15 थे, तो 30-30 हो गए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दी इजाज़त,
कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों का सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।